हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सिमरन और आप सभी कैसे हैं। तो आज है जनवरी की 22 तारीख और मेरे गार्डन में क्या क्या चल रहा है, चलिए ये आप सभी से शेयर कर देती हूँ। तो ये है मेरे गार्डन का नया मेहमान जिसमें लिखा हुआ है माय लिटिल गार्डन। तो ये है मेरा बर्थडे गिफ्ट। तो आसपास शोर हो रहा है, आप इग्नोर करें। तो ये देख सकते हैं इसके अंदर लाइट भी ऑन होता है। तो चलिए इसके बारे में फिर कभी हम बातें कर लेंगे। तो ये आपको कैसा लगा ये मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए देख लेते हैं मेरे सभी प्लांट्स की क्या हाल चाल है। सबसे पहले आते हैं पिटूनिया पर। तो ये सभी मेरे पिटूनिया के 8 इंच के पॉट में लगे हुए प्लांट हैं। तो अब मैं भूल भी गई हूँ कौन सा प्लांट डबल पेटल का था और कौन सा सिंगल। कभी कभी एक ही फूल इसमें खिलता है। तो बस अब मौसम ठीक हो रहा है तो आने वाले हफ्ते में ही सभी कुछ अच्छा हो जाएगा। सभी में बडिंग भी बनने लगेगा शायद मेरे हिसाब से। और ये है क्रिसैंथेमम का मेरा प्लांट। तो पिछले कुछ हफ्तों में जब बहुत ज़्यादा बारिश और बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी थी तो प्लांट्स का हाल भी बहुत ही ख़राब हो गया था। तो मेरे परमानेंट प्लांट जो हैं उन सभी का भी मैं आपसे एक अलग से वीडियो शेयर करूँगी। तो ये जो मेरे ऑस्ट्रिच बर्ड प्लांटर आप देख रहे हैं, इस दोनों प्लांटर को मैंने ये देखिए यहाँ अपने सेंटर पीस में रखा हुआ है अब। और जो मेरे परमानेंट प्लांट थे दोस्तों सभी का बहुत बुरा हाल हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। बहुत कोहरे की वजह से, धुंध, ठंडी हवा और बारिश। तो चलिए बाकी के प्लांट्स कुछ इस तरह से हैं। और लाडो को शायद मेरा एक पॉट मिल गया है खेलने के लिए। मेरे गार्डन में इस टाइम सभी सीजनल प्लांट ज़्यादा हैं और जो सभी परमानेंट प्लांट थे वो भी हैं, लेकिन उन सभी को कुछ इस तरह से रखा हुआ है कि वो सामने नज़र नहीं आते हैं। और ये सिंघोनियम का प्लांट ये ज़रा ठीक कंडीशन में है वैसे। और ये डहलिया का बहुत खूबसूरत एक प्लांट मैं लेकर आई हुई थी जो मुझे 15 रुपये के हिसाब से मिला था। ये भी मैं कोई 3-4 प्लांट लेकर आई थी। ये देखिए ये रेनुकेलस है और ये केल है। केल का जो साइज़ है ये बहुत अच्छा हो गया है दोस्तों। ये देखिए इसने किस तरह से अपने पूरे पॉट को भर लिया हुआ है। ये एस्टर का प्लांट है दोस्तों। अगर आपके गार्डन में एस्टर, वर्बीना इस तरह के प्लांट हैं तो उन्हें देखिए हल्की फुल्की मिट्टी दीजिएगा। मैंने अपनी इस मिट्टी में परलाइट का यूज़ किया हुआ है और ज़्यादातर इसमें ऑर्गेनिक खाद मिलाई हुई है। और ये कैलेंचो का प्लांट है। कैलेंचो के प्लांट में देखिए दोस्तों अभी और 2 हफ्ते लगेंगे इन्हें खिलने में। काफ़ी टाइम से इनमें कलियां बनी हुई हैं लेकिन अभी तक ये खिले नहीं हैं। बहुत ठंड के कारण ही ऐसा होता है। और ये फेरोकेरिया है दोस्तों। फेरोकेरिया में बारिश, पानी, धूप किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए ऐसे प्लांट्स को ज़रूर अपने गार्डन में रखना ही चाहिए। बहुत ही ज़्यादा हार्डी होता है ये। ये देखिए ये एंटीरेनियम है, डॉग फ्लावर और कुछ हैं यहाँ पर स्पाइडर प्लांट। ये सभी प्लांट बिल्कुल ठीक कंडीशन में है। और ये एक मेरा नया प्लांट है रोज़ का। जैसे मुझे मेरे व्यूवर्स कमेंट करते हैं कि आपके गार्डन में रोज़ेस नहीं है। लास्ट ईयर के 2 प्लांट मैंने रखे हुए हैं दोस्तों जिनमें फ्लावरिंग होती ही रहती है। और ये स्टैंड में रखे हुए मेरे हार्डी प्लांट। तो हार्डी प्लांट को कुछ भी नहीं होता है दोस्तों, चाहे बारिश हो चाहे धूप ना हो। तो ये ऐसे ही रहते हैं। ये देखिए आसमान बिल्कुल साफ़ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत अच्छी धूप आई है तो प्लांट्स में कुछ अलग ही तरह की चमक आ गई है। तो अब धीरे धीरे मौसम सही हो गया है और आगे भी ठीक ही रहेगा तो सभी जो प्लांट हैं बहुत अच्छे हो जाएंगे। और देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है तो किस तरह से ये टिन टिन की साउंड चल रही है।
और ये मेरा दोस्तों देखिए एक नया प्लांट है मेरे गार्डन में, तो ये है वॉयला के फ्लावर। दिखने में ये पूरी तरह से पेंजी जैसा ही लगता है, लेकिन इसे पेंजी नहीं, इसे वॉयला कहते हैं। तो ये हैंगिंग बास्केट में बहुत खूबसूरत लगता है। तो पहली बार मैंने इसे लिया है, पहले कभी मुझे ये किसी नर्सरी में नहीं मिला था, तो इस बार मुझे ये पैराडाइज नर्सरी में मिला है। तो अभी शायद ये पैराडाइज नर्सरी में ना हो। तो देखिए किस तरह से छोटे छोटे इनके फ्लावर हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये इस साल का मेरा फेवरेट एक और ये प्लांट रहा। बहुत मौसम ख़राब हुआ, बहुत बारिश आई, लेकिन इनके फ्लावर को कुछ भी नहीं हुआ है। ये पत्थरचट का प्लांट है दोस्तों, और पहली बार मैंने इसके जो फूल है ये देखा है, बहुत अच्छी चमक है इसमें, बहुत खूबसूरत। एक और देखिए, ये भी मेरा वॉयला का प्लांट है दोस्तों, बहुत छोटे छोटे कितने अच्छे लग रहे हैं ये। इसे भी दोस्तों कंपोस्ट वाली मिट्टी ही बहुत अच्छी लगती है, हल्की फुल्की मिट्टी, पानी भी बिल्कुल कम। वैसे पानी रोज़ देना है, अगर जब बिल्कुल सूखी मिट्टी भी आप कर देंगे तब भी एकदम से ये जो प्लांट झुक जाए तो फिर ठीक नहीं होता है। ये देखिए क्ले का बना हुआ एक बहुत खूबसूरत पैरेट है, जिसे मैंने एक एग्जीबिशन से लिया हुआ है। ये देखिए ये जो वॉयला है, ये दो कलर के प्लांट हैं, तो दोनों प्लांट को मैंने इस 8 इंच के बास्केट में लगाया हुआ है। और बाकी के देखिए सभी हार्डी प्लांट, अभी तो ये सभी बिल्कुल ठीक हैं। और ये देखिए क्रिसैंथेमम बहुत खूबसूरत लग रहा है। एक ये मेरा बेल है दोस्तों, जिसे मैं अपनी इस आर जो मेरा बैम्बू आर्च है इस पर मैं चढ़ाना चाह रही हूँ, लेकिन अभी इतनी अच्छी ग्रोथ इसमें नहीं है। इनमें बर्ड बने हुए हैं दोस्तों, वैसे तो ये पायरोस्टेजिया कहते हैं, इसे फ्लेम वाइन भी कहते हैं। तो जिनके पास बहुत अच्छा प्लांट होगा उसमें तो ये फ्लावर स्टार्ट हो चुका है। ये देखिए एक ये मेरा हैंगिंग पॉट है, तो इसे मैंने देखिए प्लांट जो 5 इंच का पॉट है, इसे डायरेक्ट मैंने पॉट के साथ ही रख दिया हुआ है। जगह इसके अंदर बहुत कम है, लेकिन जो जो प्लांटर है ये बहुत खूबसूरत है, जो हैंगिंग प्लांटर है दोस्तों। ये मैंने जसपाल टेराकोटा की दुकान से इसे लिया है, ये भी शायद वहाँ पर अभी आउट ऑफ स्टॉक होगा। ये इसमें दोस्तों एक ये मैमुलेंस का प्लांट है, बहुत अच्छे फूल इनमें आता ही रहता है। और एक ये मेरा कॉर्नर, जहाँ पर देखिए धूप की चमक आ रही है, तो सभी प्लांट बहुत अच्छे से खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। धूप इन सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो जब बारिशें हुई थी तो कुछ एक प्लांट को जब मैंने इंडोर रखा हुआ था तभी करके ये दोस्तों ये प्लांट बच पाए हैं। तो अभी इनमें फ्लावर आ ही रहा है, खिल ही रहे हैं, काफ़ी दिनों तक, अभी ये पूरा महीना भी निकल जाएगा, यानी कि ये अगले फरवरी तक भी रह पाएंगे। देखिए ये सभी डबल शेड के हो गए हैं, तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। और आपके गार्डन का क्या हालचाल है मुझसे आप ज़रूर शेयर करें दोस्तों। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपसे मैं शेयर कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो प्लास्टिक का पॉट होता है, अगर आपने प्लास्टिक का पॉट यूज़ किया हुआ है तो उसमें पानी का ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ से मैंने अपना आर्टिफिशियल ग्रास को कुछ दिनों के लिए हटाया है उसकी क्लीनिंग के लिए। और ये एक मेरा एलिसम का प्लांट है, ये देखिए ये धीरे धीरे जब पूरा फैल जाएगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये हैंड शेप प्लांटर है। तो दोस्तों मैं आपसे बात कर रही थी प्लास्टिक के पॉट के बारे में। ये देखिए मैंने भी कई सारे प्लास्टिक के पॉट रखे हुए हैं, इनमें पानी 3-4 दिनों तक पानी यूं ही रहता है। खासकर इस मौसम में पानी का आप बहुत ख्याल रखिएगा, तभी मैं ज़्यादातर इस टेराकोटा जो मिट्टी के गमले होते हैं इसे ही ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। ये देखिए ये छोटे छोटे जो फूल आप देख रहे हैं ये डेजी का प्लांट है, सिर्फ ये 4 इंच के पॉट में मैंने लगाया है। ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस ही था, लगाकर देख लेती हूँ कि कैसा रहेगा,
तो मुझे इसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका है कि ये 4 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छे से चल पाते हैं। देखिए नए नए कई सारी इनमें कली आई हुई है। तो इस पॉट में आप ज़रा ध्यान दें दोस्तों, मैंने इसमें देखिए कोकोपीट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, कोकोपीट और ज़्यादा इसमें थोड़ी सी खाद मिलाई हुई है, मिट्टी थोड़ी कम है इसमें। तो देखिए मजेंटा और वाइट कलर के ये दोनों प्लांट जो हैं, तो देख सकते हैं पॉट कितना छोटा है, क्योंकि इसकी मैंने सही मिट्टी बनाई हुई है दोस्तों। मिट्टी की जो मेरे खाद की वीडियो भी मैं आपसे शेयर करती ही आई हूँ। और दोस्तों जो फ्रूट पील का जो मैंने बायो एंजाइम का वीडियो आपसे शेयर किया था, उसका भी आप अपने सभी प्लांट पर छिड़काव का यूज़ करें, उसे स्प्रे करें। ये देखिए ये भी एक और मेरा क्रिसैंथमम है। जो रंग आप इसमें देख रहे हैं दोस्तों, ये बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए और भी मेरा ये डबल कलर का ये डहलिया का प्लांट है। तो मेरे गार्डन में जैसे डहलिया है, रोज़ है, इन सभी को आप ज़रा कम ही देख पाएंगे। इस तरफ मेरा ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है, ये प्लांट मुझे कम ही दिखते हैं। और ये देखिए ये क्रिसैंथेमम कितने सुंदर लग रहे हैं, ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। काफ़ी टाइम से ये मेरे गार्डन में मेरे गार्डन की खूबसूरती को बनाए रखे हुए हैं। तो जो फ्रूट पील का जो एंजाइम आप बनाते हैं दोस्तों, उसका छिड़काव अपने जैसे मिट्टी में और इन फूलों के जो बर्ड पर, इनकी पत्तियों पर आप करते रहिए। हफ्ते में चाहे एक बार करें, चाहे 15 दिन में एक बार करें। मैंने इन सभी पर कर दिया हुआ है दोस्तों, सभी में जो पेस्ट वगैरह है, इन सभी में पेस्ट का अटैक कम होता है, फूलों की और पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और बहुत हरे हरे हो जाते हैं। ये देखिए ये मेरे वर्टिकल गार्डन में जो मैंने ये पेंसी का प्लांट लगाया हुआ था, देखिए सभी में ब्लूमिंग आ रही है। ये देखिए, तो ये मैं पूरा एक ट्रे लेकर आई थी, वो भी मैंने आपसे शेयर किया हुआ था। ये देखिए एक और ये पॉट जो है, इसमें भी एलिसम लगा हुआ है और ये जिरेनियम है। इस तरह से भी दोस्तों आप पॉट को, पॉट में दो तीन किस्म के प्लांट को मिक्स करके लगाएं। ये देखिए ये पिटूनिया है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो गई है, लेकिन अभी फूलों की कमी है। और ये गजानिया, ये रेनुकेलेस, देखिए कितने अच्छे ये हरे हरे बिल्कुल हैं। तो जितनी बारिश हुई है, जो भी हुआ है, तो वही पानी इन सभी को मिला है। मैंने कोई पानी, अभी भी मैंने कोई पानी दोस्तों नहीं दिया है। ये पूरा एक हफ्ता हो चुका है मौसम ठीक हुए, लेकिन पानी की कोई इन्हें ज़रूरत हुई पड़ी ही नहीं है। और आप ये केल देख लीजिए दोस्तों, जिसे गोभी फूल भी कहते हैं। दोस्तों मैंने अपने इस गमले में गोबर खाद का यूज़ किया था, गोबर खाद बहुत ही बढ़िया रहा इन सभी के लिए। तब मेरे पास वर्मी कंपोस्ट नहीं था, तो सिर्फ मैंने इसमें गोबर खाद मिलाया है, यानी काउ डंग मैन्योर। बहुत अच्छी तरह से सड़ी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल उसका रंग ब्लैक हो जाना चाहिए, तभी वो बहुत अच्छे से आपके प्लांट में काम करेगा। तो फ्रेंड्स अब मैं आपसे फिर मिलूंगी बहुत जल्दी किसी नए टॉपिक के साथ। और भी प्लांट्स हैं, वो सभी आपसे मैं शेयर करूंगी। ये देखिए कितनी अच्छी हवा चल रही है। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त, आप सभी से विदा लेती हूँ। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।